हे गाइस, वेलकम बैक नेदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ इस तरह की कलर टोन वाली फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो देखने में बहुत ही ऑसम दिखती है। अगर आपको भी अपनी फ़ोटो में इस कलर टोन को लेके आना है तो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना होगा। अगर आपको इस प्रीसेट को डाउनलोड करना है तो आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो पासवर्ड आपकी स्क्रीन में कभी भी लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे फिर आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे एक प्लस का आइकन दिखता है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमें अपने प्रीसेट पे क्लिक करना है, अपनी फ़ोटो पर क्लिक करना है जिस फोटो को हमें एडिट करना है। उसके बाद नीचे एक ऐड का बटन दिख रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन था ऊपर टॉप में ऑल फोटोज़ का, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो हमने फ़ोटो और प्रीसेट ऐड किया था वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीसेट हमारा दिख रहा है हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब इस प्रीसेट की हमें कॉपी सेटिंग करनी होती है। प्रीसेट की कॉपी सेटिंग करने के लिए ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ऊपर टिक का आइकन दिख रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब हमारी प्रीसेट की कॉपी सेटिंग हो जाती है। उसके बाद हमें बैक एरो पे क्लिक करना है। अब इस फोटो में हमें प्रीसेट ऐड करना है। फोटो में प्रीसेट ऐड करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट सेटिंग का। जैसे मैं पेस्ट सेटिंग में क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं एक क्लिक के अंदर फोटो एडिट हो जाएगी और फोटो का जो बैकग्राउंड का कलर वो भी बहुत ही ऑसम दिखता है। तो आप देख सकते हैं फोटो कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। पहले फोटो इस तरह की थी, प्रीसेट ऐड होने के बाद इस तरह की बन गई है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फोटो में प्रीसेट ऐड करके दिखाता हूँ। ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे पेज सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे मैंने पेज सेटिंग पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक क्लिक में फ़ोटो एडिट हो गई और फोटो का कलर बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फोटो में प्रीसेट ऐड करके दिखाता हूँ। ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे पेज सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे मैंने पेज सेटिंग पर क्लिक किया तो ये फोटो में प्रीसेट ऐड हो जाएगा और फोटो एक क्लिक में एडिट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो फोटो कलर कितना ऑसम दिख रहा है और ये प्रीसेट सभी फोटो में अच्छे से काम कर रहा है। आप भी इस प्रीसेट को यूज करके अपनी फोटो में इस कलर को लेके आ सकते हैं। अब इस फोटो को सेव करने के लिए ऊपर शेयर के बटन पर क्लिक करना है, नीचे सेव टू डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तुम्हारी फोटो मेरे गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये फोटो एडिटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरह की फोटो एडिटिंग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगा ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।